धूमल के गृह क्षेत्र से चुनाव ना लड़ने पर भावुक नजर आए अनुराग ठाकुर। हमेशा से हमीरपुर हमारे साथ खड़ा रहा है, धूमल को टिकट ना देने पर कार्यकर्ताओं में मायूसी थी, ये कहना था अनुराग ठाकुर का। तो आज जनसभा को संबोधित करते हुए काफी भावुक नजर आए अनुराग ठाकुर। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा से हमीरपुर हमारे साथ खड़ा रहा है और धूमल को टिकट ना देने पर कार्यकर्ताओं में मायूसी थी। और आप सब जिस तरह से पिछले 5 वर्षों से लगे हैं, किसी से छिपा नहीं है, सारा प्रदेश जानता है, लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। जिस नेता के साथ आप लोगों ने युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के मंडल के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश की टीम तक काम किया, वो भावना बहुत अलग है। वो एक परिवार की भावना है और ये शायद बहुत कम जगह पर आपको देखने को मिलेगा। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे जिले में हमारा जन्म भी हुआ, ऐसी लोकसभा की सीट से लड़ने का अवसर भी मिला जहां पर आप जैसे कार्यकर्ता हैं। एक बार नहीं चार बार आपने मुझे सांसद बनाया, धूमल जी को मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया। मेरे में नहीं हिम्मत थी आप सबसे बात करने के बाद यहां आने की। और हमारे साथ फोन लाइन पर हिमाचल से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए आज सुजानपुर में अनुराग ठाकुर की रैली थी और इस दौरान काफी भावुक भी नजर आए, किस तरीके से इस संबोधन को देखा जाए? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भले ही वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन एक पुत्र हैं और पुत्र हैं ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री के जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार, वो भी 5 साल तक चलने वाली सरकार की पहली पृष्ठभूमि हिमाचल प्रदेश में 1998 से रखनी शुरू की थी। इससे पहले ये माना जाता था कि हिमाचल में भाजपा 2.5 साल शांता कुमार के दो अरसे जो बीते हैं 5 साल नहीं कर पाते। और ये वही प्रेम कुमार धूमल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो टिकट चाहते थे, राजेंद्र राणा से चुनाव हारे थे और चाहते थे कि राजनीति से रुखसत करें तो एक जीत के साथ रुखसत करें, उन्हें टिकट नहीं मिला। ये आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं और अनुराग ठाकुर लगातार एक बात को जरूर कह रहे हैं कि वो पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हैं चाहे उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हैं। लेकिन सारी कहानी, सारी तस्वीर आप इन आंसुओं से समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं हमीरपुर के लोगों के भीतर या उनके धूमल के समर्थकों के भीतर आपको ये प्रभाव जरूर दिखाई दिया होगा कि उनका चुनाव ना लड़ना, उनको टिकट ना देना कहीं ना कहीं आघात दे रहा है उनके समर्थकों को। और नहीं रोक पाए खुद केंद्रीय अनुराग ठाकुर, आज उनका हमीरपुर का दौरा है, आज वो हिमाचल आए हैं और सिर्फ हमीरपुर में सुजानपुर जहां से पूर्व मुख्यमंत्री धूमल चुनाव लड़ा करते थे वही नहीं, आज वो हमीरपुर में भी, इसके बाद जो विधानसभा हल्का है बंगाणा है बस्सी है, यहां पर भाजपा के प्रत्याशियों के लिए चुनावी हवा तैयार करते नजर आएंगे। लेकिन पहली शुरुआत जहां से उन्होंने अपने पिता के चुनाव क्षेत्र सुजानपुर से की है, वहां अपने आंसुओं को अनुराग ठाकुर भी नहीं रोक पाए और मुझे लगता है इसी तरह के भावुक क्षण जो हैं। बिल्कुल। और अरुण, देखिए जब बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था और उसमें प्रेम कुमार धूमल का जब नाम नहीं था तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी जताते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए थे। उन्होंने विवादित बयान भी दिया था कि सीएम चेहरा हिमाचल में कौन होगा, अभी इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, जिसके बाद जो है हिमाचल बीजेपी में काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली थी। देखिए, अनुराग ठाकुर को लगातार इस बात को लेकर माना जाता है कि वो अपने बयानों के साथ, वो सधे हुए बयान हो सकते हैं, वो भावुकता में बयान हो सकते हैं,
लेकिन हड़कंप जरूर मचाते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उनके तलख अंदाज की एक राजनीति सियासत, जब ये जयराम सरकार के 5 साल का दौर था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे मामले थे वो जरूर दिखाई दिए। और उनके अब ये दो बयान, पहले जो दिल्ली से उन्होंने दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, और आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो भावुक है पूर्व मुख्यमंत्री धूमल को टिकट ना मिलना। मैं एक सबसे बड़ी बात इसमें कहना चाहता हूँ, देखिए आज पूरे हिमाचल प्रदेश के भाजपा के इस चुनाव में एक सबसे बड़ा अलग कोण जो बन गया है वो है धूमल को टिकट ना दिया जाना। और हम लगातार पूरे समाचार इस बात को लगातार एक बात को कहता रहा है, क्या ये अनदेखी होगी, क्या ये उस इतिहास को दोबारा दोहराया जाएगा जब अपने बड़े नेताओं के समर्थन के साथ भाजपा मिशन रिपीट नहीं चाहती हो। ठीक है, ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।